अरे गुड मॉर्निंग सर, रवि जी बात कर रहे हैं सर? हाँ जी बोलो। रवि सर, संदीप सिंह बात कर रहा हूँ policybazaar.com से। जी बताइए। रवि जी, आपका डिटेल मिला था policybazaar की सर वेबसाइट पे। टर्म इंश्योरेंस प्लान कंपेयर कर रहे हैं सर, अपने लिए देख पा रहा था। हाँ जी हाँ जी। जी आपके देखिए एक असिस्टेंस के रिगार्डिंग कॉल बैक किया था सर, ताकि आपकी न्यू रिक्वायरमेंट से थोड़ा बेहतर तरीके से आपको टर्म प्लान में हेल्प आउट कर पाते, इसलिए कॉल बैक किया है सर आपको। जी पहली बार टर्म इंश्योरेंस देख रहे हैं सर? पहले भी कोई लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा को एक्सीडेंटल पॉलिसी वगैरह कुछ अप्लाई किया कभी आपने? वो है LIC वगैरह का तो है। LIC वगैरह सब है? ओके, तो टर्म इंश्योरेंस में आप कितना कवर करने के सोच रहे हैं अपने लिए सर? अराउंड 70 लाख के आसपास। 70 लाख के आसपास का? ठीक है, मैं देखिए इसमें थोड़ा बेटर तरीके से आपको हेल्प आउट कर दूंगा और बताता हूँ। सब बात रिकॉर्डेड कॉल पर, क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पज के लिए। रवि सर, वैसे एक चीज जानना चाहूंगा, यहाँ पे आपने जो डेट ऑफ बर्थ अपना मेंशन किया करेक्ट है सर? 15th नवंबर 1972, ऑलमोस्ट हाँ जी। सर 47 का आपका एज हो चुका है। तो आप वैसे करते हैं क्या, जॉब करते हैं सर, अपना बिजनेस वगैरह सर? जॉब जॉब। करते हैं सर। देखिए आपको कहीं ना कहीं टर्म इंश्योरेंस के बारे में नॉलेज होगा कि टर्म इंश्योरेंस है क्या, जी राइट? हाँ बट जी हाँ तब भी जी। मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ एंड टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से बताता हूँ क्या क्या कंडीशन वगैरह अप्लाई होती है, ठीक है सर? टर्म इंश्योरेंस बड़ा सिंपल इंश्योरेंस कवर है। कंपनी कहती है सर कि कस्टमर की कल आने वाले टाइम पे अगर किसी भी दुर्घटना में अगर मिसहैपनिंग हो, ठीक है, चाहे वो एक्सीडेंट है, बीमारी, नेचुरल, किसी भी रीजन से, आपने जो इंश्योरेंस का कवर करवाया होगा, ये पैसा आपके परिवार, आपके नॉमिनी के नाम पे क्लेम किया जाएगा, ठीक है? अगर मिसहैपनिंग की अगर बात करें सर, डेथ हर एक टाइप की आपकी कंपनी कवर करके देगी। बस पहले एक साल के लिए कंपनी कहती है मैं आपका सुसाइड का रिस्क नहीं कवर कर रही हूँ, बट दूसरे साल से आपका सुसाइड का भी रिस्क कवर किया जाएगा टर्म इंश्योरेंस के अंदर, ठीक है? बाकी जो रिस्क है सर आपके पहले दिन से कवर होंगे, जिस दिन आपकी पॉलिसी इश्यू होती है, मतलब पॉलिसी इश्यू होने के अगले 1 घंटे बाद भी अगर कुछ हो जाए ना कस्टमर को सर, कंपनी आपका इंश्योरेंस का क्लेम करवा के देगी, ठीक है? अच्छा। ये रहता है आपका टर्म इंश्योरेंस। बट बेसिक मोटिव की अगर मैं बात करूँ सर, टर्म इंश्योरेंस असल में लिया जाता है सर अपनी फैमिली के कवर के लिए, क्योंकि सर देखो आज आपने बताया सर मैं जॉब वगैरह करता हूँ, राइट? आपका कुछ वो सोर्स ऑफ इनकम है ना? अब वो इनकम के थ्रू ही कहीं ना कहीं आपके परिवार की जो जिम्मेदारियां और जरूरतें हैं वो पूरी होती हैं, राइट? अगर मैं सेविंग की भी अगर मैं बात करूँ सर, हमारा इतना इतना ज्यादा इनकम नहीं हो सर, हमारी जो इनकम होती है बेसिकली वो हमारी फैमिली के लाइबिलिटीज के हिसाब से ही देखी जाती है। क्योंकि बिल्कुल। अब एक चीज देखिए सर, एक चीज बताओ, आपका साल का कितना इनकम होता है? जो टोटल सैलरी है हाँ जी, टोटल सैलरी एनुअली 18 लाख। 18 लाख, ठीक है? और मैं अगर सेविंग की अगर मैं बात करूँ अभी सर, तो कितना सेविंग कर लेते हो आप उसमें? हाँ सेविंग तो कहाँ हो पाता है, सेविंग जी कहाँ हो पाता है, वो तो सब उसी में निकल जाता है, किस्तों अच्छा, तो में ही। मतलब बच्चों के बारे में जानना चाहो तो सर, फैमिली में वैसे कौन कौन होगा? मैम होंगी, आप होंगे और? हाँ, दो बच्चे हैं और फैमिली भाषण भाई ओके, तो आपके साहब। सबसे छोटे बच्चे की अभी एज क्या होगी रवि सर? 10th में अभी वो है, करीबन 15 ईयर्स का। तो अभी तो सर मेन पार्ट अगर आने वाला बाकी है अभी, क्योंकि ऑफ कोर्स उनका एजुकेशन जो होगा धीरे धीरे जब बढ़ेगा, तो अब वैसे भी जी आज के टाइम में इंडिया में एजुकेशन बहुत कॉस्टली हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, तो रवि सर देखो अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से बात करूँ, देखो आपने खुद बताया कि 18 लाख इनकम है, उसमें बहुत मुश्किल से आप सेविंग कर पाते हो, राइट? तो आप अपने लिए एक बैकअप कवर लेके चलो, आप बढ़िया प्लान देख रहे हो अपने लिए अगर रेकमेंड करो तो। क्योंकि बैकअप की अगर मैं बात करूँ, देखो इसमें प्रीमियम इतना ज्यादा नहीं आएगा सर, क्योंकि आपका मेन चीज होता है एज, ठीक है? एज के हिसाब से मोस्टली आपका प्रीमियम देखेंगे और आपका कितनी एज के लिए आप कवर करोगे और कितने अमाउंट का सिक्योरिटी होगा। अब देखो अगर आप 18 लाख का इनकम है आपका, ठीक है सर, आपकी इनकम के बिहाफ पे कंपनी तो कवर देना चाहे सर, मोर देन 2 करोड़ तक का भी आपको इंश्योरेंस कवर दे सकती है, ठीक है? बट अगर मैं आपको रेकमेंड करूँ, ठीक है, तो कम से कम तो 1 करोड़ का लेके चलो रवि सर, ठीक है? कम से कम 1 करोड़ का लेके चलो, क्योंकि अगर आपको 70 लाख का अप्लाई करोगे, कम से कम 20 साल या 30 साल का तो इंश्योरेंस लोगे ना सर, और 30 साल का अगर इंश्योरेंस ले रहे हो, 70-75 या 1 करोड़ का भी अगर हम देखें, तो इतना बड़ा कोई अमाउंट का वैल्यू नहीं होगा मार्केट के अंदर, ठीक है? बट 1 करोड़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1 करोड़ कम से कम सिक्योरिटी का लेके चलो, कि मार्केट में अगर 30 साल के बाद की बात करूँ सर, कोई ना कुछ 50 लाख के बराबर का तो कोई वैल्यू होगा उसका, कंपनी का, इन्फ्लेशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है? समझ तो गया। उसे रेकमेंड करूँ तो रेकमेंड करूंगा कम से कम 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर आप लेके चलो, ठीक है? और आप अपने लिए, आपकी जो अभी एज है सर 47, तो आप अपनी कितनी तक की एज के लिए कवर करने की सोच रहे हो सर टर्म प्लान में? क्योंकि देखो रिटायरमेंट तक मान लीजिए आप 60। अप टू द एज ऑफ 60, और आपके जो सबसे छोटे बच्चे के अभी आप बता रहे हैं सर वो 10th क्लास में है, तो आप एक चीज में बताओ एज क्या होगा उसका? सबसे 15 साल सर, अगर मैं अगर आपको रेकमेंड करूं, ठीक है, एज एन एडवाइजर, आप अपने पॉलिसी को 65 तक के एज के लिए लेके चलो, 60 नहीं, ठीक है?
इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी ऐसा पेरेंट्स के ऊपर तब तक होती है जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। ये इंडियन कानून है एक तरीके से समझ लो, क्योंकि मेन चीज है बिल्कुल सर, वो फादर से सब कुछ करवाते हैं शादियों में, क्योंकि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप अपनी फैमिली के एक ऐसे मेंबर हो जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे उस टाइम पे, राइट। बच्चों की एक बार शादी हो गई तो ऑफकोर्स उनका फैमिली खुद का फैमिली होगा, है ना, मतलब उसकी वाइफ होंगे, उसके बच्चे होंगे, वो अपनी फैमिली को समझेंगे। तो मैं रिकमेंड करूँ तो अपनी 65 तक के एज के लिए कवर कर लो। मेन है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी कवर हो जाएंगी, ठीक है। अब अगर 1 करोड़ का इंश्योरेंस अगर आपके लिए 65 तक के एज के लिए कवर देखें, तो आप अपने लिए इंश्योरेंस कवर कैसे देख रहे हो? बिल्कुल सिंपल सादा प्लान देखना चाहते हो, या ऐसा कोई बेनिफिट देखना चाहोगे जो कि मतलब कुछ एक्स्ट्रा कवर करना चाहो आप अपनी पॉलिसी में, जैसे कि कोई बीमारी के रिगार्डिंग, या अगर कोई इनकेस अगर मान कर दे डिसेबिलिटी वगैरह होती है उस कंडीशन में कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए, या बिल्कुल सिंपल कवर रखना है? नहीं सिंपल बताइए, क्योंकि और तो है, मेडिकल वगैरह है मेरे पास। देखिए, अगर हम 1 करोड़ का इंश्योरेंस आपका नॉर्मल 65 तक की एज के लिए करते हैं, ठीक है, आप 65 तक की एज के लिए कर रहे हो, तो सर आपका जो पॉलिसी है ऑलमोस्ट सर लगभग 17 to 18 ईयर्स का, 18 साल के आसपास का पॉलिसी है, ठीक है। 18 साल इसका लगातार प्रीमियम रहेगा, ठीक है, 1 करोड़ के इंश्योरेंस का, तो आपको जो प्रीमियम आएगा सर ऑलमोस्ट आपको 2100 के आसपास आपका प्रीमियम आएगा सर, 2100 रुपये करीब मंथली। हाँ जी, मंथली टैक्स वगैरह सब इंक्लूड करके। और एक चीज वैसे आपसे पूछना चाहता रवि सर, आपने जब विजिट किया था, आप मैं देख पा रहा हूँ पहले भी काफी टाइम से आप अपने लिए टर्म प्लान देख रहे हैं, जैन से देख रहे हैं, तो कुछ कंपनी के बारे में सोचा है, मतलब किस कंपनी का इंश्योरेंस कवर करने की हाँ सोच रहे यार, हो अपने लिए? बताएंगे कौन सी कंपनी आजकल ठीक है, मतलब देखो जिसका अगर मैं क्लेम बेस रेकमेंड वगैरह करूँ ठीक ना है। सर, मैं एक चीज रेकमेंड करना चाहूंगा रवि सर, आप कंपनी देखोगे तो सर मैं एक रेकमेंड करूँ तो एक ऐसी कंपनी लेके चलो जो मोस्टली फाइनेंस सेक्टर में थोड़ा स्ट्रांग हो, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे आप ऐसे केसेस भी देख रहे हो सर जहाँ पे येस बैंक वगैरह, पहले पीएनबी, उससे पहले आपका एलआईसी को भी लॉस हो रहा है थोड़ा बहुत, राइट। एलआईसी तभी तो शेयर मार्केट के अंदर आ रहा है नए बजट के अंदर, बट एलआईसी लॉस में जा रही है कंपनी, तो ऑफकोर्स आप ऐसी मार्केट ऐसी कंपनी लेकर जो बिल्कुल स्टेबल है आज के टाइम पे मार्केट में, ठीक है, स्टेबिलिटी के हिसाब से अगर आप देखोगे, ठीक है। देखो, तीन कंपनियां हैं मैं अगर आपको रेकमेंड करूँ फाइनेंस सेक्टर में जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, एक तो टाटा। टाटा इसलिए सर क्योंकि टाटा ब्रिटिश के जमाने से सर 18 सेंचुरी से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, फाइनेंस में उसे कोई भी दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि वो इंटरनेशनल एंड इंडिया की मार्केट में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली स्टेबल है, ठीक है, फाइनेंस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। और मतलब कि कल अगर मैं आने वाला 18 साल या 20 साल का इंश्योरेंस कर रहा हूँ ना सर, मैं बिल्कुल सिक्योरली इसको कंटिन्यू कर पाऊंगा और मेरा दिक्कत वाली बात भी नहीं आएगी क्लेम के मामले में, क्योंकि कंपनी का क्लेम जो है सर इंडिया की मार्केट में नंबर 1 सेटलमेंट कर रहा है, जो कि 99.1% है, इस साल का सबसे हाईएस्ट क्लेम सेटलमेंट, जो कि सबसे बड़ा रिकॉर्ड इसने कंपनी ने उठाया है, ठीक है। दूसरी अगर कंपनी की हम बात करें, ठीक है, देखो सर इंश्योरेंस सेक्टर के एलआईसी के बाद जो भी कोई कंपनी आई, वो दो कंपनी आई थी, आईसीआईसी और एचडीएफसी, जो कि सर 2000 के अंदर लॉन्च हुई थी, ईयर 2000 के अंदर, ठीक है, प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर अगर बात करें सबसे पुरानी कंपनी है, ठीक है। बट अगर मैं दोनों में से कोई एक रेकमेंड करूँ तो रेकमेंड करूंगा एचडीएफसी, क्योंकि एचडीएफसी का क्या है सर, कंपनी का अगर फाइनेंस सेक्टर में देखें सर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर ये प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा स्टेबल है। अगर आप येस बैंक वगैरह से कंपेयर करो, किसी भी बड़े बड़े बैंक से कंपेयर करो, इवन एसबीआई वगैरह से, तो इसकी सर्विसेज प्लस इसके जो आपके मतलब कि जो इसमें हाई नेटवर्क हाई प्रोफाइल जो कस्टमर्स होते हैं, राइट, वो मोस्टली एचडीएफसी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनका जो मार्केट जो इन्वेस्टमेंट है, मार्केट इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है, मतलब सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि सर कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहाँ पे लॉस ही हो, कंपनी बहुत सिक्योर है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूँ कंपनी का क्लेम सेटलमेंट सर, इंडिया में सर पिछले 4 साल के डेटा रिकॉर्ड के हिसाब से देखोगे 98% सर कंपनी हर साल क्लेम पास करवाते रही है, बट इस साल 99% कंपनी ने क्लेम पास करवाया है। अगर एवरेज निकालो 98 का एवरेज है कि 98% कंपनी क्लेम पास करवा सकती है आपका, ठीक है। अब अगर मैं कंपेयर करूँ टाटा और आपके एचडीएफसी में, ठीक है, कौन सी कंपनी का प्लान लेना बढ़िया रहेगा, ठीक है। सो देखो, दोनों प्लान तो ऑलमोस्ट सेम है और फाइनेंस सेक्टर में दोनों कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है। प्रीमियम भी सेम है क्या इनका? सर प्रीमियम में मैं बताता हूँ आपका, टाटा का जो प्रीमियम बढ़ेगा सर 2200 रुपीज का समथिंग पड़ेगा, 2230 रुपए का आपको बढ़ेगा महीने का, एक एक करोड़ का इंश्योरेंस अप टू द एज ऑफ 65 का, ठीक है। बट आपका एचडीएफसी में प्रीमियम 100 रुपए सस्ता है, आप ये मान के चलो 2200 रुपए, ज्यादा फर्क नहीं है, 2112 रुपए का आपका प्रीमियम है। रीजन बताया था, 5% डिस्काउंट है सर, 5.5%, उसकी वजह से आपका प्रीमियम इतना कम आ रहा है, वरना नहीं तो सर 5.5% अगर डिस्काउंट हटा दो तो आपका प्रीमियम जो होगा ऑलमोस्ट उतने ही सेम बैठेगा, 5 रुपए ज्यादा आएगा बल्कि एचडीएफसी का, ठीक है, प्रीमियम में मतलब की कोई फर्क नहीं है। बट एक बेनिफिट ऐसा है सर एचडीएफसी में जो कि सर आपको विदाउट एनी चार्जेस आपको कंपनी पे कर आपको एडवांटेज देती है, वो बेनिफिट आपको टाटा के अंदर नहीं मिलेगा, वो है
वेवर ऑफ प्रीमियम। कंपनी कहती है सर कि अब देखिए एक चीज बताएं सर, एक्सीडेंटल अगर हम देखें तो एक्सीडेंट में आपने मोस्टली क्या देखा है कि मतलब कभी किसी आपके कोई फ्रेंड का है, कभी किसी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ, वहां पे आपने क्या देखा होगा? डेथ, या सर्वाइव कर जाता है, खरोंच तक नहीं आई, बिल्कुल। या डिसेबिलिटी। इन तीन चीजों के अलावा कुछ देखा कभी? नहीं। ठीक है, अब कंपनी कहती है सर अगर डेथ हो गई तो 1 करोड़ का तो इंश्योरेंस ही मिल जाएगा, राइट? बिल्कुल। अगर अगर कस्टमर सर्वाइव कर गया, उसका खरोंच तक नहीं आई, तो ऑफकोर्स वो फाइनेंशियली अर्न कर सकता है अब भी, राइट? डिसेबल तो हुआ नहीं है, बट इन केस ऑफ द डिसेबिलिटी, ठीक है, कंपनी कहती है सर कि मैं आपके पॉलिसी के प्रीमियम वेव ऑफ कर दूंगी। कंडीशन में बताया तो कंपनी कंडीशन सिर्फ ये रखती है कि अगर 3 महीने तक, ठीक है, कस्टमर अर्न नहीं कर पाता, मतलब कस्टमर जो है बेड रेस्ट पे 3 महीने से ज्यादा हो गए, जिसमें से उसका एक हाथ एक पैर या दोनों हाथ दोनों पैर आंखों की रोशनी का लॉस हुआ है, ठीक है, तो कंपनी आपका 3 महीने तक वेट करती है। 3 महीने तक अगर कस्टमर रिकवर नहीं होता तो कंपनी आपकी पॉलिसी का प्रीमियम वेव ऑफ कर देगी। पॉलिसी के प्रीमियम आपको पे नहीं पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, बट आपका रिस्क कवर कंपनी आपको 65 तक के एज के लिए देके चलेगी पूरा। हाँ जी, तो ये जो बेनिफिट है सर, ये बेनिफिट आपका टाटा के प्लान के अंदर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो फर्क की अगर मैं बात करूँ सर, टर्म इंश्योरेंस में फर्क राइडर्स के अंदर आता है। अगर आप प्योर वनीला प्लान अगर आप देखोगे, आप एक चीज सोचें, अगर मैं एक एलेक्सा एक गाड़ी लेने जा रहा हूँ, ठीक है, चाहे वो आपका दीवान का शोरूम हो, चाहे कोई से भी कंपनी का शोरूम हो, राइट, गाड़ी सेम होगी, मॉडल भी सेम होगा, फीचर्स भी सारे सेम होंगे, राइट, बट अगर मैं स्टेट टू स्टेट वाइज अगर मैं बात करूँ, स्टेट टू स्टेट वाइज आरटीओ का खर्चा अलग होता है, तो ऑफकोर्स प्राइस में थोड़ा फर्क आ जाता है, राइट। सो उस भी आप पे अगर मैं बात करूँ तो फीचर्स अगर आप देखें तो सिंपल पॉलिसी का फीचर बिल्कुल सेम होगा, बट अगर प्राइस में बात करूँ एचडीएफसी थोड़ा सस्ता भी है। और दूसरी चीज अगर एक बेनिफिट की बात करूँ, कंपनी आपको थोड़ा ज्यादा बेनिफिट देगी आपको इसी सेम प्लान के अंदर। हाँ जी, ओके, हेलो। हाँ जी सर, ये रहेगा, ठीक है, एचडीएफसी बेटर है, बिल्कुल एचडीएफसी थोड़ा बेटर रहेगा। और एचडीएफसी में सर देखो, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा भी कवर करना चाहो अपने लिए, ठीक है, मतलब कि अगर आप चाहते हो मेरे लिए कुछ एडिशनल भी कवर कुछ हो, ठीक है, इन केस ऑफ डिसेबिलिटी में कुछ पे आउट हो, ठीक है, या अगर आप कुछ ऐसे फीचर्स देखना चाहो तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। क्योंकि सर इसमें आपको, अगर एचडीएफसी के प्लान की अगर मैं बात करूँ, एचडीएफसी में सर बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं कि अगर आप अपने लिए कुछ अलग से बेनिफिट लेना चाहो, आप अपने लिए भी कुछ अलग से बेनिफिट लेके चल सकते हो। जी, ऑप्शंस में सर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे आपको एचडीएफसी के अंदर। बट अगर जब बाकी कंपनी अगर मैं कंपेयर करूँ, बाकी सभी कंपनी में सर लिमिटेड ही बेनिफिट अवेलेबल है कि आपको यही बेनिफिट मिलेगा और इतने प्रीमियम चार्ज होगा उसके ऊपर। एक बार बताएंगे एक्स्ट्रा क्या है इसमें? क्या कोई राइडर है, मतलब उस टाइप में कर रहे हैं? हाँ, राइडर्स में अगर मैं बात करूँ एच डी एफ सी में आपको काफी ऑप्शन मिल जाएंगे राइडर्स के अंदर। जी, अगर आप देखना चाहो तो एक बार आप एक काम कर ले, पॉलिसी विदा का वेबसाइट एक्सेस कर ले, मैं आपको दिखा देता हूँ। जी, आप अभी पॉलिसी विदा की वेबसाइट पे हैं अभी? नहीं, बताइए एक बार। एक मैं बता देता हूँ, आप एक काम करें, आप डेस्कटॉप पे हैं सर, मोबाइल पे हैं? मैं डेस्कटॉप पे हूँ अभी। ठीक है, गूगल क्रोम में policywizard.com ओपन कर लीजिए। policywizard.com जो आप सर्च करेंगे वहाँ पे आपका टर्म लाइफ का ऑप्शन आएगा अम्ब्रेला के सिंबल के साथ सर। ओके जी, हाँ जी, मेरा नेट चलाना। अच्छा, वहाँ पे मिल जाएगा मेरे को सारी डिटेल ये? हाँ, मतलब जो आप पॉलिसी के वेबसाइट पे विजिट करेंगे ना, तो आपका टर्म लाइफ पे जब आप ऑप्शन पे जाओगे, बेसिक डिटेल मांगेगा, व्यू फ्री कोड पे क्लिक करना, वहाँ पे आपका सर कंपनीज आ जाएंगी सारी, आईसीसी, एचडीएफसी, मैक्स, टाटा वगैरह सारी आ जाएंगी, ठीक है। कंपेयर करना चाहो कंपेयर भी कर लो, और अगर आप बेनिफिट देखना चाहो क्या क्या बेनिफिट अवेलेबल है इन पॉलिसीज के अंदर, ठीक है, तो आपको एचडीएफसी में थोड़ा ज्यादा बेनिफिट दिखेंगे। क्योंकि एचडीएफसी क्या है सर, मार्केट में सबसे पुरानी कंपनी है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, एलआईसी के बाद जो आई थी एचडीएफसी आई थी, ठीक है, 21 साल पुरानी कंपनी, एक्सपीरियंस वाइज भी थोड़ा ज्यादा है। तो कंपनी ने अगर बेनिफिट की बात करूँ सर, जो बेनिफिट कंपनी ने आज के टाइम पे अपनी पॉलिसी में रखे हैं, वो बेनिफिट्स आज से तक कंपनी प्रोवाइड ही नहीं करती हैं। हाँ जी, तो अगर बेनिफिट वाइज अगर हम देखें तो अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा कवर मिल रहा है कुछ एक्स्ट्रा देने से, राइट, तो हर जगह क्या है। और एक चीज मैं बताऊँ सर, वैसे आप अपने लिए टर्म इंश्योरेंस जो देख रहे हैं जनवरी से देख रहे हो और मार्च में भी देखना आपने दोबारा स्टार्ट किया, जो कि काफी अच्छी बात है, क्योंकि 1 अप्रैल से आपका टर्म इंश्योरेंस जो पॉलिसी है सर, हर एक कंपनी का ऑलमोस्ट 20-25% उन सभी कंपनी के प्रीमियम बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है। अच्छा, रीजन में अभी जो प्रीमियम होगा वो आगे जितने भी 15 साल या 20 साल के लूंगा वो सेम ही रहेगा?
सर देखो आप बिल्कुल सर, आपने जो बताया कि आपका जो प्रीमियम होगा, फॉर एग्जांपल मैं आपका आईसी ये एचडीएफसी वाला जो 2112 वाला प्लान अगर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये टैक्स इंक्लूडेड है सर, ठीक है, तो ये प्रीमियम जो होगा हमारा लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब ओके अगर मान के चलो सर 1 अप्रैल बाद प्रीमियम बढ़ेंगे, वो उनके लिए बढ़ेंगे जिन्होंने पॉलिसी नहीं ली है, ठीक है। अब अगर मैंने पॉलिसी का प्रीमियम लॉक कर लिया, 10 साल बाद की भी अगर मैं बात करूँ, कंपनी बोलती है सर मैं अपने टैक्स रेट कम कर रही हूँ, ठीक है, जो 18% जीएसटी लग रहा था अब मैं 6% जीएसटी चार्ज हाँ वो करूंगी। तो कम हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बट बेसिक जो प्रीमियम पॉलिसी का वो फिक्स ही रहेगा जी। आपने बताया policybazaar.com पे है ना? हाँ जी, policybazaar.com, अच्छा, कंपेयर इंश्योरेंस पॉलिसी है, क्लिक बिल्कुल उस पर क्लिक करिए, किया, ठीक है। फिर आपका टर्म लाइफ का ऑप्शन आएगा सर वहाँ पे छतरी के सिंबल के साथ, टर्म लाइफ छतरी, हाँ अच्छा, बिल्कुल उस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। हाँ वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मांग रहा होगा सर, जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर सर सेम ही रखेगा जिस पे बात हो रही है, बेसिक डिटेल डाल के नीचे व्यू फ्री कोट आ रहा होगा उस पर क्लिक करिएगा। वो कर लूँ, अच्छा ठीक है, आ गया, ठीक है, ओके। तो ये हम जो ऑनलाइन लेते हैं इनमें हमें कुछ डिस्काउंट वगैरह मिलता है क्या, प्रीमियम वगैरह में? सर ऑनलाइन क्या होता है ना, कोई डिस्काउंट तो नहीं होता, बट होता क्या है सर कि जो आप पे करते हो वो डायरेक्ट इंश्योरर को पे करते हो, तो प्रीमियम असल में कम होते हैं, क्योंकि सर इंश्योरर को अगर मैं डायरेक्ट पे कर रहा हूँ तो आपके पॉलिसी में बीच में से दो तीन चीजें हट जाती हैं। एक तो होता है सर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, मतलब कि जो एजेंट लगाता है, ठीक है, ब्रांच कोड हट जाता है और एजेंट कोड हट जाता है, जो एजेंट का मेन चीज होता है ना कमीशन, वो कट जाता है, और कमीशन होगा सर अगर 10% होगा, अगर 2100 रुपये का 10% निकालो तो 210 रुपये के आसपास, राइट, तो 200 रुपये जो होंगे वो कम पड़ेगा। ये रीजन होता है सर कि आपको थोड़ा सस्ता प्लान पड़ता है ऑनलाइन, क्योंकि मैं डायरेक्ट इंश्योरर को पे करने वाला हूँ, बीच में जो एजेंट है मैं उसे नहीं पे करूंगा इस पॉलिसी के लिए, तो इसलिए कहते हैं सर प्रीमियम सस्ते होते हैं, डिस्काउंट नहीं होता, सस्ते होते हैं। जो डिस्काउंट होता है वो कंपनी के एंड से होता है, जो कि अभी ओके। मैं आपको दिखा दूंगा। तो आप मेरे को इसमें जब मैं ऑनलाइन लूंगा तो उसमें आप मेरे को हेल्प आउट करेंगे, है ये ना? बिल्कुल सर, और इवन सर देखिए अगर मान के चला आप पॉलिसी बाजार से पॉलिसी ले रहे हो, ठीक है, तो सर देखो पहले एक चीज मैं बताता हूँ, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है सर कि देखो आपको ऐसा नहीं कि मैं एक ही कंपनी के बारे में बता रहा हूँ कि एक ही कंपनी का प्लान आपको मिलेगा और यही बेनिफिट लिमिटेड है, ऐसा नहीं सर। देखो जो कंपनी में ज्यादा बेनिफिट है, राइट, अगर मुझे कम प्रीमियम में ज्यादा बेनिफिट अगर मिल सकता है तो बाकी कंपनी का प्लान में मैं ज्यादा प्रीमियम देके ज्यादा बेनिफिट क्यों लूँ? मैं अपने बजट भी तो कुछ लेके चलूंगा, बजट नाम की तो चीज होती है हर एक कस्टमर की, राइट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सर, कंपनी एक ऐसी चाहिए सर जो कि बेसिकली मार्केट पे स्टेबल ज्यादा हो, राइट, क्योंकि आप चाहते हो क्लेम सेटलमेंट, क्योंकि आपका देखो आप एक चीज सोचे सर, टर्म प्लान ले क्यों रहे हैं, हमने तो प्रीमियम भी भरना है, रिटर्न तो कुछ आने वाला नहीं है, राइट, अगर बाय चांस मुझे कुछ हो गया तो मेरा क्लेम तो मेरा फैमिली को डिपेंड करेगा ना, वो तो फैमिली बिल्कुल, को ही पैसा चाहिए, राइट, तो आप भी नहीं चाहोगे सर उसमें कोई दिक्कत वाली बात हो, मैं भी वही चाहता हूँ, राइट, तो मैं उसमें आपको हेल्प आउट करूंगा किस कंपनी का बेस्ट क्लेम सेटलमेंट है, क्योंकि ऑफकोर्स सर आपने 2-3 महीने की रिसर्च की है, राइट, बट मेरा तो सर 4 साल का एक्सपीरियंस है, मैं तो ज्यादा रिसर्च कर चुके बैठा हूँ यहाँ पे, तो वही अनबायस्ड एडवाइस रहेगी, ठीक है। और दूसरी बात, कल क्लेम में अगर कोई दिक्कत आती है नॉमिनी को, या अगर आपको कोई बेनिफिट्स में क्लेम करना है, तो सर आप पॉलिसी बाजार को इस चीज को इन्फॉर्म कर सकते हो, पॉलिसी बाजार को आप कॉन्टेक्ट करो, आपका यहाँ पे जो भी पॉलिसी होता है आपने जो परचेस किया होगा, राइट, तो ऑफकोर्स आपका यहाँ पे एक माई अकाउंट होता है जिसमें सर आप अपनी पॉलिसी को मैनेज कर सकते हो, क्लेम करना चाहो क्लेम भी कर सकते हो, अगर आप अपना बाकी कोई चेंजेस वगैरह कुछ करवाना चाहो आप माई अकाउंट में लॉगिन करके उसकी रिक्वेस्ट डाल सकते हो, कंपनी के एंड से आपको कॉल वगैरह आएगा, वो खुद ही ये चीजें की फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे आपको फिर। जी ठीक है, मैं एक बार ना अभी इसको डिटेल देख लेता हूँ, जी होपफुली मैं कल ऑफिस जब जाऊंगा तो मैं इसको कल शायद लूंगा, है ना? तो एक बार मेरे को कल फोन करेंगे सर, मेरा कल अवेलेबल नहीं रहूंगा बिकॉज कल मेरा परसों, वीकेंड। जी बिल्कुल परसों कर लेंगे, परसों कर लेंगे, है ना? तो ठीक है, 3-4 दिन में ही मेरे को लेना है, तभी दैट्स व्हाई मैं आज एक बार कंपेयर करके फिर फाइनली ऑफिस में बैठ के फिर वही ऑनलाइन करके मैं भर के सारी डिटेल। जी तो ठीक है, परसों मेरे को कॉल कर लीजिए, परसों मैं इसको कर लेता हूँ फोन। ठीक है सर, अगर कोई असिस्टेंस रिक्वायर्ड हो, अगर कुछ जानना चाहो तो रिक्वेस्ट डाल देना सर कॉल बैक की, मैं आपको अपने एंड से चलो कॉल बैक कर लूंगा सर, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक, ऑलराइट सर, तो थैंक यू। परसों आफ्टर मतलब 12 बजे के बाद प्लीज, है, ठीक सर, 12 के बजे के बाद फोन करिएगा, फिर हम करते हैं, है ना? ठीक सर, ठीक, ओके, ऑलराइट सर, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू।